इवनिंग जी, कैसे हैं आप? नमस्ते मैम। नमस्ते सभी को। मैम, नमस्ते जी। मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। जी बताइए, क्या क्या अच्छा हो गया और क्या क्या मेरे खराब हाथ था पहले? बहुत खराब थे। हाथ नहीं उठ पाते थे। अब मेरे हाथों में भी बहुत आराम है और मेरी इंचिस बहुत ज्यादा गई है। 25-26 इंचिस गई है और 18 किलो वेट कम हुआ है मैम। 18 किलो वजन कम कर लिया, 25 से 26 इंचेस उन्होंने कम कर लिया है। दर्द रहता था हाथों में, वो ठीक हो गया। इसके अलावा और क्या दिक्कत थी आपको? मैं मेरे हस्बैंड के शुगर हो गया था तो अब मैंने इन्हें शेक वगैरह देना शुरू किया तो उनकी शुगर खाली पेट की 105 आई और खाना खाने के बाद 106 आई। तो और आपका जो दिक्कत थी वो, आपको क्या दिक्कत थी? और मेरी दिक्कत, मेरे पैर में बहुत दर्द रहता था, सर्जरी हुई थी तो वो बिल्कुल सही है। मैं पूरी एक्सरसाइज करती हूँ, कूदने फादने की सारी। अब उम्र मुझे कोई कितनी है आपकी? परेशानी नहीं है। 45। 45 में सारी एक्सरसाइज करती है, कूदने फांदने वाली? देखो खुद से बोल रही हूँ, है हाँ ना? जी, सारे कोई एक्सरसाइज ऐसी नहीं मैम जिसे मैं नहीं कर पाती। अरे वाह, और क्या चाहिए 45 साल में? ये सारी एक्सरसाइज एक्सरसाइज करते और ये हाथ मैम ऐसे नहीं उठ पाते थे मेरे। अभी उठ रहे हैं देखो। हाँ जी, अब मेरे सारे हाथ उठते हैं और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शुगर की, सर की जो शुगर है कितने तक चली जाती थी पहले? मैं शुरू में ही चेक कराया था हमने पहली बार तो वो खाली पेट की 200 आई थी और भरे पेट की 280 आई थी। वो भी नॉर्मल जो है उनकी हो रही है शुगर ना? हाँ जी, यस, दोनों टाइम शेक दे रही हूँ मैम उन्हें, फाइबर दे रही हूँ, बहुत आराम लग रहा है उन्हें। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुंदर सी क्लैपिंग करेंगे कुमकुम जी के लिए एंड सर के लिए। बहुत अमेजिंग, बहुत बढ़िया रिजल्ट, बहुत प्यारा सा रिजल्ट है। यस, यहाँ पे ये दोनों टाइम कनेक्ट करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, और जो इनको फॉलो करने के लिए बोला जाता है वो एज इट इज फॉलो करते हैं, तो तभी उनका जो रिजल्ट है इतना प्यारा, इतना अच्छा रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है। तो बहुत अमेजिंग है। अनम्यूट करेंगे कोमल, कैसा रिजल्ट आपका आ रहा है, क्या आपको लग रहा है यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद में? नमस्ते मैम। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? ठीक मैम, कहता था इन्फेक्शन की समस्या थी और मैम अंगुलियां सूनी रहती थी, मुंह पे सूजन आती थी, पैरों पे आती थी, मुंह पे सूजन आती थी, पैरों पे आती थी, और क्या अब नहीं आ था? रही। अच्छा, अब नहीं आ रही थी। और वजन कितना कम किया है आपने? 4 केजी कम किया है। 4 केजी कम किया था और आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी, इन्फेक्शन आपको हो जाता है ना, यूरिन इन्फेक्शन भी ठीक। तो ये तो बहुत मतलब प्यारा रिजल्ट आपका है। अगर इन्फेक्शन आपको बन रहा है, 5 इंच भी कम की है मैंने। अरे 5 इंच भी कम कर लिए, बढ़िया। कैसा लग रहा है 4 किलो वजन कम करके, 5 इंच कम करके? बढ़िया लग रहा है मैम, बढ़िया लग रहा है। कांता जी, क्या रिजल्ट आपको आ रहा है? मैम नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? बस ठीक मैम, आप कौन? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए अपने बारे में। मैम मेरा नाम कांता है, मैं गांव दरौंदा से हूँ। मेरा ना 18 किलो कम हो गया है। अरे हाँ जी, कमर का दर्द था, ये भी बिल्कुल सही हो गया है। हाँ, अरे घुटनों और में भी काफी आराम है। हाँ घुटनों में भी काफी आराम है, कमर का दर्द ठीक हो गया है, और जी, और मैं खुश रहती हूँ पहले से ना। पहले आप, पिछली बार जब हम आपके पास गए थे तो आप रो रहे थे, लेकिन इस बार जब हम आपसे मिले तो आप बहुत खुश थे, है ना? खुश रहने लगे ना अब? हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो बहुत बड़ा रिजल्ट है अगर आप खुश रहने लगे। 18 किलो वजन कम कर लिया है और ना पैर का दर्द खत्म हो गया है, कम हो गया पहले से काफी, और कमर का दर्द कम। हाँ पहले से बहुत कम है मैम, मेरे ना के नाम से पैरों में भी कम है, ये कमर का दर्द तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है वजन। अभी कितने पे आ गए हो आप? 108 किलो था मैम। अच्छा, 108 किलो था, अभी कम कितना करना है ये बता दो मुझे, कितने किलो और कम करना आपको? 18 करना था। तो अभी इस महीने आपको 5 किलो कम करना है, ठीक है? बस इस पे आपका होना चाहिए, एक एक पैड़ी पे पैर रखना है, अगली पैड़ी के लिए हमें बाद में काम करना है, पहले फर्स्ट स्टेप रखना है, ठीक है? तो इस महीने 5 किलो का टारगेट आपने करना है। ओके मैम, यस। तो सुंदर सी क्लैपिंग करेंगे। 18 किलो, बहुत अमेजिंग, उन्होंने अपना जो है वेट लॉस किया है। कितने महीने में किया है कांता जी? मैम 3 महीने में होगा था। 3 महीने में 18 किलो, बहुत बढ़िया। लेकिन मरीज का नहीं होता, डिस्क्लेमर, रिजल्ट वेरी पर्सन टू पर्सन, हर एक का नहीं होता। इन्होंने मेहनत की है, इनके सेल्स ऐसे हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं,
हर एक का नहीं होता है, आपकी बॉडी से आपके सेल्स के हिसाब से ही, आपके जो बॉडी है उसके हिसाब से ही वेट जो है डाउन जाता है। सुंदर से क्लैपिंग करेंगे, कांता अप्रोच रेडी है, देखते हैं वो हमारे लिए क्या रेसिपी आज लेके आए हैं, और जिसको हम लोग है ना अपने डेली डाइट में ऐड कर सकते हैं और अपनी सेहत को और टेस्ट को एंजॉय कर सकते हैं। क्लैपिंग और हुटिंग के बीच में हम इनवाइट करेंगे आज के हमारे मास्टर शेफ को अमृता, तो सुंदर सी क्लैपिंग करेंगे अमृता जी के लिए। ओवर टू यू अमृता। नमस्ते सभी को। नमस्ते। मेरा नाम अमृता है और मैं पटना की रहने वाली हूँ। मैं पहले अपना रिजल्ट बता देती हूँ। मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। मैंने अपना अभी तक का वजन 95 से 75 कर लिया है। रिजल्ट से पहले मैं कपड़े नहीं आते थे, कपड़े बहुत टाइट होते थे, बहुत दिक्कत होता था। अब तो इतने ढीले हो गए सारे कपड़े, पुराने वाले लगता है किसी से मांग के पहना है हमने। ये जो पहनी हूँ वो भी मुझे बहुत टाइट होते थे जब खरीद के लाई थी, अभी तो इतने ढीले हो गए कि क्या बताएं। अब आज मैम हम बताएंगे सेवन से लस्सी बनाना, फॉर्मूला बनाना से लस्सी बनाना। लस्सी बनाना जी मैम, उसके लिए चाहिए हमको एक कप दही, एक गिलास लस्सी के लिए एक कप दही चाहिए और मधु चाहिए। मधु हम इसलिए ले रहे हैं, हम चीनी नहीं यूज करते, हम ना किसी को प्रेफर करते हैं चीनी यूज करने के लिए। अगर फिर भी किसी को पसंद हो तो चीनी यूज, ये फॉर्मूला मान लेंगे। फिर फ्लेवर के लिए हम गुलाब जल लेंगे, थोड़ी सी केवरा एसेंस लेंगे। डेकोरेशन के लिए हम ये गुलाब की पंखुड़िया लेंगे, थोड़ी सी पुदीना की पत्ती लेंगे और थोड़ा सा हम इलायची पाउडर लेंगे। और हमने फॉर्मूला वन को मैम दूध में पहले से ही मिला के रखा है, क्योंकि ऐसे लंप्स पड़ जाएंगे इसमें, पहले से मिलाया तो इसमें लंप्स नहीं पड़ेंगे। फिर हम ये एक कप दही को एक बॉल में रखेंगे, हम नॉर्मल बिस्तर से ही विक्स करेंगे, नहीं तो सही टेक्सचर नहीं आएंगे, इसलिए हम नॉर्मल बिस्तर से ही विक्स करेंगे। दही के बाद हम मधु डालेंगे इसमें, अमृता जी कितनी देर फेटना होता है जो आप बना रहे हैं, कितना टाइम तक फेटना चाहिए हमें से? 5 मिनट फेटेंगे मैम तो हो जाएगा। 3 चम्मच फॉर्मूला वाले मैम, थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए रख लेंगे। हमने इसमें अभी दही लिया है, फॉर्मूला वाले लिया है और जो है मधु बोला है आपने, जो है ना शहद। इलायची पाउडर डाल देंगे फ्लेवर के लिए। इलायची पाउडर डाल जी मैम, थोड़ी सी गुलाब जल डाल देंगे, गुलाब जल ये सब हम फ्लेवर के लिए देंगे। उनके बराबर सेंस डाल देंगे, हमारी लस्सी तैयार हो गई है। अब इसको ग्लास डेकोरेट करके डाल देंगे, एक गिलास लेंगे। ये नीचे आपने क्या डाला है? ये मैंने गिलास में वो फॉर्मूला वन जो बताया था ना मैम, वो डाल रहे हैं, वो डाल के हाँ गिलास को डेकोरेट कर देंगे। अब इसमें लस्सी को डाल देंगे, इसके ऊपर हम थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे। गुलाब की पंखुड़िया डाल देंगे, एक पुदीने का पत्ती डाल देंगे इसमें। ये हमारा लस्सी तैयार हो गया है, यकीन मानिए बहुत टेस्टी होता है। हम बना के पी चुके हैं मैम इसको, ये बहुत टेस्टी है मैम। हमने एक कप दही लिया था, एक गिलास लस्सी के लिए एक कप दही लिया था, छोटे से कप से हमने एक कप मधु लिया था। ये आपका 1/3 इसका हाफ कप है। ये हमने मधु लिया था, लेकिन आपको और मिठास ज्यादा चाहिए तो ज्यादा भी ले सकते हैं। ये इलायची पाउडर लिया था हमने, गुलाब की पत्ती ली थी, पुदीने का पत्ती ली थी, फॉर्मूला वन लिए थे, ये बहुत जरूरी है। इसके बिना लस्सी नहीं पी हो सकता। ये हमने गुलाब जल लिया था और ये थोड़ी सी हमने केवरा एसेंस ली थी।
और इसको हमने तो 3 चम्मच फॉर्मूला वन को दूध में इसको पहले से घोल के रखा था। सारे फैट फ्री है, दही भी फैट फ्री है और हमारा दूध भी फैट फ्री है। फैट फ्री दूध का यूज करेंगे, फैट वाले दूध का कभी यूज नहीं करेंगे।